नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्या कैसे करें यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम कार्ड का पिन कैसे जनरेट करते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास भी कोऑपरेटिव बैंक का नया एटीएम कार्ड आया हुआ है और आप नहीं जानते कि इसके एटीएम का पिन कैसे जनरेट करना है, तो हम आपको एटीएम मशीन में जाकर लाइव पिन जनरेट करके दिखाएंगे। तो चलिए एटीएम मशीन में चलते हैं और वहां से लाइव एटीएम का पिन जनरेट करके देखते हैं। तो दोस्तों हम एटीएम मशीन में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिस तरफ से एटीएम कार्ड में चिप लगी हुई है उस तरफ से हमें अपने एटीएम कार्ड को मशीन के अंदर इंसर्ट करना है। हमने अपने एटीएम कार्ड को मशीन के अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। हम इंग्लिश में ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जो राइट साइड में ऊपर का बटन है इस बटन को प्रेस करना है। हमने बटन को प्रेस कर दिया है। अब आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। सबसे पहले आपको ईयर टाइप करना है, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट टाइप करनी है। हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दी है। टाइप करने के बाद आपको इस बटन को प्रेस करना है। हमने बटन को प्रेस कर दिया है। अब हमें ऊपर वाले बटन जनरेट ओटीपी इस बटन को प्रेस करना है। हमने इस बटन को प्रेस कर दिया है। अब आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। प्लीज वेट, योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसीड। अब आपको यहां पर जो आपके फ़ोन पर ओटीपी आया है वह आपको यहां पर टाइप करना है। हमारे फ़ोन पर ओटीपी आ चुका है, हम उसे यहां पर टाइप कर देते हैं। हमने ओटीपी टाइप कर दिया है। अब आपको वैलिडेट ओटीपी इस बटन को प्रेस करना है। हमने बटन को प्रेस कर दिया है। अब आपको यहाँ पर जो आप अपने एटीएम कार्ड का 4 डिजिट का न्यू पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। हमने टाइप कर दिया अपना 4 डिजिट का एटीएम का पिन। अब आपको री एंटर योर न्यू पिन, दोबारा से फिर आपको वही एटीएम का पिन टाइप करना है जो अभी आपने टाइप किया था। हमने दोबारा से अपने एटीएम कार्ड का पिन टाइप कर दिया है। अब कन्फर्म का बटन है जो इस बटन को प्रेस करना है। हमने कन्फर्म के बटन को प्रेस कर दिया है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। कंग्रेचुलेशन, योर एटीएम पिन हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपके एटीएम का पिन जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों अब आप इसके साथ मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी विड्रॉल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं आप वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।